भेजी ना इधर ही रहो सदाप, इधर ही रहो। राखी जी एक साथ में फोटो दे दो पहले। वेट वेट मैम, वेट वेट एडवोकेट है मैं। हाँ हाँ एक मिनट रुको, पहले साइन करने जा रही हूँ। दो मिनट दोगे? हाँ हाँ स्टैंप लगा के आएंगे तो। ठीक है ठीक है, ये जादू का हम लोग रेडी रहते जब तक। अरे सदा काम घूस रहा है। बस 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 घर पे छोड़ के आओ भाई। बस इतनी खड़े में यही जगह जा मुझे जा जा इधर घुमाने का हाथ हटा है अभिषेक। खाली बाहर नीचे थोड़ा सा पीछे क्योंकि पुलिस स्टेशन में अलाउड नहीं है। इधर राखी जी इधर कर दे भाई, इधर इधर अच्छा है। ये साइड इधर इधर आइए। हां कौन है? आर यू श्योर? हां यस यस, ये अच्छी जगह है। पुलिस स्टेशन में अलाउड नहीं है। पांडे पांडे बस 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 रह गया गाइस प्लीज गाइस। पीछे 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 कैमरा पीछे ले 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 और पुलिस स्टेशन में ऐसे कंप्लेंट की जाती है। सिर्फ गिदड़ भक्तियाँ जो लोग हैं ना कैमरे के सामने बोलते हैं ना साइलेंस प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू साइलेंस। तो ये मेरे फाल्गुनी जी हैं, मेरे एडवोकेट हैं, इंडिया के नंबर वन एडवोकेट हैं। नीचे करो प्लीज, विनय घूम नीचे ले ले भैया दीपक। शांति प्लीज, घूम नीचे ले। साइलेंस प्लीज, इंडिया की नंबर वन एडवोकेट है फाल्गुनी जी। ये आपको सब बताएगी कि मैंने क्या कंप्लेंट करी है। फाल्गुनी जी प्लीज बताइए, ये बताइए। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से शेरलिन जैसी और उन्नीस सीधी बातें कर रही है राखी मेरे क्लाइंट के बारे में। उसके लिए हम लोग ने एक डिफॉर्मेटरी कंप्लेन पुलिस कंप्लेन लॉन्च की है और मंडे को एक डिफॉर्मेशन नोटिस भी उनको सेंड करेंगे। आज तक वो जो भी बोलती आई है, जैसे राखी जी के बारे में गलत बोला गया तो हमने आज पुलिस को अप्रोच किया है। हमने पुलिस को रिक्वेस्ट की है कि एक FIR रजिस्टर होनी चाहिए ऐसी औरत के बारे में। आप जो भी करती है आपको पूरा अधिकार है किसी के खिलाफ केस लड़ने का, हर कुछ करने का, लेकिन आपको ये हक किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी और व्यक्ति या महिला के बारे में उल्टा सीधा बात करें, उसके बारे में कुछ भी अभद्र बात करें। जैसे उन्होंने कहा था कि राखी किसी प्राइवेट होटल्स में जाती है, वहाँ पे वो करती है, शोज करती है, व्हाटएवर जो उसने स्टेटमेंट यूज किया है वो पहली बात तो सरासर गलत है। अगर ऐसा कुछ करती है तो आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते हो तो आपको उसका जवाब देने के साथ एविडेंस होना चाहिए। जैसे मेरे पास है, हम जब भी बात करते हैं एविडेंस के साथ, ये शर्लिन चोपड़ा की पॉर्न वीडियोस की हमारे पास एविडेंस है। ये औरत क्लेम कर रही है कि उसका रेप साजिद खान ने किया। राजकुंद्रा ने उसके ऊपर ऐसी चीजें की कि उसको उसकी बदनामी हो गई। जो औरत खुद पॉर्न वीडियोस करती है, ये पॉर्न वीडियो उसकी है, उसकी बनाई हुई है और ये सोशल मीडिया पे है। तो राखी जी ने कहा डिफॉर्मेशन किया, राखी जी ने कहा डिफॉर्मेशन किया। बताइए आप किसके बारे में क्या बोल रही है ऐसी औरत? मैं एक एडवोकेट की तरह भी यहाँ स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ। एक खुजली वाला कुत्ता भी होता है ना तो वो साइड में जाके सब कुछ चीजें करता है, पर्सनल में करता है। आपको इतनी खुजली हो रही है, आप पॉर्न वीडियोस बना रही हो और दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हो तो खुजली वाला कुत्ता आपसे बेटर है। एक औरत जिसका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है,
जो वाहियात औरत है, मैं ये कहूंगी मेरे पे भी डिफॉर्मेशन की केस करें, क्योंकि मैं एज एन एडवोकेट अब बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक भारतीय नारी की तरह बात कर रही हूँ। एक शेरलिन चोपड़ा जैसी वाहियात औरत हमें बताएगी हमें क्या करना चाहिए। एक कुत्ती जो रास्ते में भौंकती है, काटना आता नहीं है, ठीक है, वो हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, मैं हजारों औरतों को आज तक मैं ट्रेन कर चुकी हूँ। ऐसी औरतें समाज में रहनी चाहिए जो दूसरे औरतों पे उंगली उठा रही है। पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो आप क्या हो। आपको लड़ना है, आप लड़ सकते हो, आप पुलिस स्टेशन जाइए, आप कोर्ट जाइए। मैंने जो आपके बारे में स्टेटमेंट किया, आप भी कोर्ट जा सकती है मेरे खिलाफ। लेकिन पहले मैं महिला हूँ, मैं एडवोकेट नहीं हूँ। आज मैं एडवोकेट के कैपेसिटी में बात नहीं कर रही हूँ, एक भारतीय नारी की कैपेसिटी में बात करती हूँ। शर्लिन चोपड़ा, हिम्मत है तो आप हमसे आके बात करिए। एक पॉर्न वीडियो आपका अभी दिखाया है, हम पूरी दुनिया को एक्सपोज करेंगे। हमारी हजारों औरतें आपके दरवाजे पे आके खड़ी रहेगी और आपसे जवाब मांगेगी। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, हम क्या सीख दे रहे हैं सबको, यही सीख दे रहे हैं कि शर्लिन चोपड़ा जैसी औरतों को हम सपोर्ट करें। साजिद खान ने आपका रेप किया है, राज कुंद्रा ने आपको वीडियो बनाया है, साजिद खान ने रेप किया, तो आप ऐसी वीडियो बनाएगी तो कोई भी आएगा आपके पास। क्या आप इनविटेशन नहीं दे रही हो शर्लिन चोपड़ा, क्या कर रही हो आप, पॉर्न वीडियोस बना के मर्दों को इनविटेशन दे रही, ये आप मिसाल कायम कर रही हो भारतीय नारी होने का। कहाँ गई थी आपकी भारतीय नारीता, पुलिस स्टेशन में तो बड़ी साड़ी पहन के जा रही हो, कहाँ गई थी आपकी भारतीयता, कहाँ गई थी आपका नारी का सम्मान जब आप ये पॉर्न वीडियो कर रही थी। ये वीडियो तो मैंने नहीं बनाई है, ना राखी जी ने बनाई है, ये तो आपकी खुद की डाली हुई है। कहाँ गई आपकी सभ्यता उस वक्त। औरत के नाम पे सबसे बड़ा कलंक है शेरलिन चोपड़ा, और उसको ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। जो करना है कर सकती है, जितना चिल्लाना है चिल्ला सकती है। हम काटने वाले कुत्तों के साथ बात नहीं करते, भौंकने वाले कुत्तों के साथ नहीं बात करते। आपको ज्यादा खुजली हो रही है, आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, आप लीगल स्टेप लीजिए। डिफॉर्मेशन का केस जैसे हमने के बाद पुलिस ने आपको क्या कहा है, पुलिस एक्शन लेगी, इसके बाद अलग से हम लीगल डिफॉर्मेशन नोटिस भेजेंगे। और मैं एक वापस से आपको सबको क्लियर कर रही हूँ, मेरे जो भी स्टेटमेंट्स थे शेरलिन चोपड़ा को लेके, वो मेरे पर्सनल कैपेसिटी में एज एन लेडी थे, नॉट एज एन एडवोकेट। तो इसको मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। ऐसी औरतों पे लानत है, ऐसी औरतों पे लानत है। साड़ी पहन के आप पुलिस स्टेशन के बाहर जाके रो रही है, पॉर्न मूवीज करते हुए, पॉर्न वेबसाइट्स पे काम करते हुए, आपको शर्म नहीं आती है? आपको इसका जवाब हम देंगे। आइए आप कोर्ट में आइए, आपको जवाब हम देंगे। मुझे आज ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उसने जो जो भी कमेंट किया उसकी वजह से फाल्गुनी जी मेरी पर्सनल लाइफ में, मतलब मेरे जो अभी रिसेंट मेरे बॉयफ्रेंड है, उन्होंने भी मुझ पर आरोप लगाया। मतलब कि मुझे ये कहने लगे शेरलिन चोपड़ा कह रही क्या बात सच है मेरे, आज मुझे सहना पड़ रहा है फाल्गुनी जी। क्या तेरे 10 हस्बैंड है, क्या तेरे 10 बॉयफ्रेंड है? इसने तो आके मीडिया ट्रायल में, मतलब मीडिया में आके गंद बोल दिया, लेकिन आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मुझे चर्बी की दुकान कहा, मुझे नकली बाल, क्या क्या कॉकरोच, चप्पल से मारूंगी, ऐसे ऐसे हरकतें बोला। ऐसे इन्होंने शूटिंग कर रही थी 3 दिन। आपके साथ हजारों औरतें हैं, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, आपके साथ जो भी हुआ है उसके लिए हम हजारों औरतें आपके साथ पीछे खड़ी कर देंगी, आप उसकी चिंता मत करिए। बोलने दीजिए, हम मेरे बॉयफ्रेंड में दरार आ गई है, क्योंकि वो भी मुझे क्वेश्चन कर रहा है कि ये लड़की क्या बोल रही है, 10 हस्बैंड 10 बॉयफ्रेंड। एक लड़की को आप ऐसा बोल सकते हैं? मुझे, मेरे साथ एक पहले एक रितेश का हादसा हुआ, आप जानती है, वो एक एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ। तो मतलब अभी सब लोग ये मुझे यही गिनाएंगे कि ये मुझे लोग ऐसे गिनाएंगे फाल्गुनी जी? कितनी दुख की बात है, मैंने अपने पूरा 20 साल मैंने बॉलीवुड में दिया, अब मेरा कसूर क्या है दोस्तों? मेरा कसूर यही है कि मैं साजिद खान के लिए खड़े हूँ, राज कुंद्रा के लिए खड़े हूँ। वो पीड़ित आदमी लोग हैं, वो पीड़ित आदमी लोग हैं, दुनिया में पीड़ित आदमी लोग हैं जिनको शेरलिन चोपड़ा ब्लैकमेल कर रही, मैं उनके लिए खड़े हूँ। उनकी औरतों को शेरलिन चोपड़ा ब्लैकमेल कर रही है, उन आदमियों को शेरलिन चोपड़ा ब्लैकमेल कर रही है कि पैसे दो वरना तुम्हारे बीवी बच्चों को स्कूलों में तुम्हारे वीडियो भेज देंगे। मैं उनके लिए, उनके न्याय के लिए खड़े हूँ, तो ये मुझे कुछ भी अभद्र भाषा बोलेगी मेरे लिए?
और लोग कहते हैं राखी तुम उनके मुंह मत लग शर्लिन के, मैं क्यों ना लगूं, मैं हिपोक्रेट हूं, मैं हाई सोसाइटी में रहती हूं, तो क्या मुझे अपने लिए लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? क्या ये शर्लिन चोपड़ा बार बार हमारे देश के शरीफ लोगों को और बेकसूर लोगों को इल्जाम लगाती रहेगी? तो क्या एक देश की बेटी राखी सावंत उन महिलाओं के पति के लिए, उन छोटे बच्चों के पिता के लिए, अगर मैं आके यहाँ पे उनके लिए खड़ी हूँ, न्याय मांगती हूँ और शर्लिन को मुंह तोड़ जवाब मैं देती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? उसने, मैं 3 दिन शूटिंग कर रही थी, उसने मेरे लिए इतनी अभद्र भाषा बोली, मैंने भी बोली उसको, मैंने भी उसको जवाब दिया और मैं बकायदा गिदड़ बबकिया ने मेरी एडवोकेट को, नंबर 1 एडवोकेट फाल्गुनी जी को लेकर मैं आई हूँ पुलिस स्टेशन। पुलिस अपना काम करती है, हमारे हिंदुस्तान की पुलिस जिंदाबाद, नंबर 1 पुलिस है हमारी, हमारी कोर्ट जिंदाबाद। कोर्ट, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, आपको कोर्ट कचहरी जाना चाहिए और हाँ मीडिया में आपको आपकी बात रखनी चाहिए। वेल ये भी उसने कहा, लाइक कल भी शर्लिन ने बहुत सारे बयान दिए, ये भी कहा है कि हाथी के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, ये वो, क्या कहना चाहेंगी हम? लाइक बैक टू बैक आपकी तरफ से कभी वार दिख रहा है तो कभी वार नहीं, मेरा वार नहीं है, मैं सिर्फ, देखिए आप भी एक महिला है, खुदा ना करे कभी आपके हस्बैंड के साथ, पता नहीं किसके साथ हो, आप फंसा के लेके जाके गुप्रो कैमरा, कोई कैमरा हिडन में रख के गलत हो जाता है और वही वीडियो से आपको बार बार ब्लैकमेल करें, ब्लैकमेल करना भी फाल्गुनी जी एक गुनाह है, आप बार बार ब्लैकमेल करना भी गुनाह है, वो बंदा वीडियोस बना के 2-3 बच्चों का बाप या फिर किसी का पति, किसी का बेटा, वो आत्महत्या कर लेता है शर्म के मारे कि उससे गलती चलो समझो हो गई, तो उसको बार बार पैसों के लिए, आपके ऐशो आराम की जिंदगी के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, बड़े फ्लैट के लिए, आपके अकाउंट में पैसे ऐशो आराम के लिए आप दूसरों को ब्लैकमेल करेंगे? दिस इज नॉट फेयर, मेरे देश में ये नहीं चलेगा। और राखी सावंत और फाल्गुनी जैसी समाज सेविका इन लोगों को, शर्लिन जैसी लड़की को सबक सिखाने बाहर जरूर आएंगी। थैंक यू, थैंक यू। कुछ नहीं देखने वाले, अरे यार थैंक यू। बस मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों के, अरे बोल रहे कुछ, ये मोबाइल गिरे बाकी कौन है? दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अरे अब ये भूम मोबाइल पिछले, एक्सक्यूज मी, अरे हटा यार, रेडी दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, वो बेकसूरवार आदमी जो लोग हैं जिन पर एक, यहाँ पे महिलाओं को इंडिया में बहुत अच्छे कानून हैं लेकिन कुछ महिलाएं उसका गलत फ़ायदा उठाती हैं, नहीं उठाना चाहिए। साजिद खान आज एक रियलिटी शो में है, उसे पता भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, तो ये 4 साल कुछ नहीं करी, 5 साल 6 साल कुछ नहीं करी, नींद में सो रही थी क्या फाल्गुनी जी? ये शर्लिन चोपड़ा आज वो बिग बॉस रियलिटी शो में गया तो उसके नाम की पब्लिसिटी खा रही है, ये गलत बात है। और कोई भी बॉलीवुड से आ नहीं रहा है बोलने के लिए, क्योंकि ये लोग हाई सोसाइटी से डरे हुए, मैं कोई किसी से डरती नहीं हूँ और मैं समाज सेविका हूँ लोगों के लिए, मेरे हिंदुस्तान के आदमियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए मेरे दिल में प्यार है, इसीलिए मैं उनके लिए लड़ने आई हूँ। दैट्स इट, थैंक यू। चलिए चलिए आराम, राखी जी ये साइड से। वेल राखी जी, आज आपने पुलिस कंप्लेंट की है, साथ में आपके एडवोकेट भी गए थे, पुलिस ने क्या कहा है और साथ ही कौन सी धाराएं आपने लगाई? देखिए धाराएं तो आपको एडवोकेट को ही बताना बताएंगी, आपको सारी धाराएं मैं आपको ये पुलिस स्टेशन का स्टैंप लगाया हुआ कंप्लेंट जो पेपर है वो मैं आपको दे देती हूँ। हिंदुस्तान के नंबर 1 एडवोकेट फाल्गुनी जो है वो अभी आपने देखा, उन्होंने जो अभी बयान दिया वो सारी महिलाओं का एनजीओ भी चलाती है, एंड शी इज़ अ वेरी गुड एडवोकेट। मैं, हम लोग अभी पुलिस स्टेशन गए थे और पूरी कंप्लेंट करी है, मैं 3 दिन शूटिंग कर रही थी तब शर्लिन चोपड़ा ने बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए वल्गर बोला जी,
साथ ही हमने देखा कल भी बहुत सारे बयान दिए हैं शेरविन ने, जैसे कि कहा है हाथी के पीछे कुत्ते जाते हैं, साथ ही ये भी कहा है कि वो जाती है होटल्स में और कितने सारे उसके बॉयफ्रेंड्स हैं और पेड इवेंट्स करती है, इवेंट्स करवाती है खुद, ये वो काम करते हैं मेरे पर एलिगेशंस। क्या मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास तो उसके खिलाफ सारे सबूत है पुलिस स्टेशन और कोर्ट में देने के लिए, मेरे को बोलना भी नहीं, आपको पता है मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, इससे इससे वीडियोस हैं कि उसने इतने आदमियों को ब्लैकमेल किया है, इतने दो तीन लोगों ने तो सुसाइड भी किया है, वो सारे वीडियोस हैं मेरे पास, उनकी बीवियों को उनके बच्चों को इसने ऐसे ऐसे गंदे गुप्रो कैमरा लगा के रूम में लेकर जाती है, गुप्रो कैमरा लगा के मतलब गंदगी करके वो वीडियोज़ रखे हैं, और बीवी बच्चों को मतलब शर्म आती कहते हुए कि बिजनेस टाइकून प्रोड्यूसरों को डायरेक्टरों को यू नो पहले खुद इनविटेशन देती है, मतलब न्यूड होके जब वो रूम में आ जाते हैं तो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाकर, शर्म आती है मुझे कहते हुए एक महिला के लिए, वो भी हिंदुस्तानी महिला के लिए शर्म आती है, फिर उनको सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करती। अगला आत्मा अगला जो बंदे हैं, मैंने नंबर छोड़े थे ना तो उन लोगों ने मुझे वीडियो भेजे हैं, मैंने नंबर मैंने सबके सामने कल नंबर छोड़े थे तो उन्होंने उनके जो चैटिंग है इसकी शर्लिन चोपड़ा की वो दिखाई, शर्लिन चोपड़ा ने उनको न्यूड वीडियो भेजे, वो भी मुझे चैटिंग दिखाई है, सब मैं कोर्ट में पेश करूँगी। उनको ब्लैकमेल किया था, उन्होंने उनको पैसा ट्रांसफ़र किया है, वो भी सब कुछ मैं कोर्ट में दिखाऊँगी, मैं मीडिया में, आप मेरे को पूछ रहे हो मैं मीडिया में बोल रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है, ये सारी चीज़ें कोर्ट में पेश करूँगी मैं, मेरी एडवोकेट को मैंने सब दे दिया है सारे प्रूफ, क्योंकि देश भर के आदमी लोग जो जहाँ जहाँ उसने कांड किए हैं वो सारे आदमी लोगों ने, औरतों तो उनकी बीवियों को भी, आदमी तो आदमी बीवियों को भी नहीं छोड़ा है कि आपके बीवी आपके हस्बैंड का वीडियो मैं वायरल कर दूंगी मेरे साथ, अगर मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं डाले तो, शेम ऑन। आप मेहनत करो, हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके रोटी लाते हैं खाते हैं, मीठी लगती है। आप ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, आप किसी को ब्लैकमेल करके अपने हस्बैंड का वीडियो दिखा के, ये क्राइम है। आप तो एक है ही पॉर्न स्टार, आप तो है ही एक सब, मेरे को किसी के लिए बोलना नहीं, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आप बेशरम हो और आप सबको देश के लोगों को इतने सालों से एक्सट्रेशन यू नो जिसको कहते हैं, मेरे को अभी एडवोकेट ने पुलिस स्टेशन को, हम पुलिस स्टेशन में मैंने सारे सबूत दिए, अभी हम कोर्ट में सारे बड़े बड़े कोर्टों में हम ये सारे प्रूफ दे रहे हैं कि कितना उन्होंने अकाउंट में मतलब पैसा मंगाया, पैसा डिमांड किया, और कितने ऐसा आदमी लोग हैं उनकी बीवियाँ हैं, स्कूल में तक वीडियो दिखाने की धमकी दे दी है, बताओ कितनी गिरी हुई है भाई, आपके आपके बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा अगर ये उनके टीचरों को वीडियो दिखा दिए तो, एक औरत आत्महत्या और उनके बच्चों को, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, शर्लिन इतनी गिरी हुई हरकतें की है और वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती है, क्या मुँह लेके लगाती है, वेरी बैड। इसीलिए मैंने आज कंप्लेंट करी है, मेरे पास प्रूफ के साथ करी और बाकायदा ओशिवारे पुलिस स्टेशन में स्टैंप लगा के आपको जो मैंने वो भेजा है। साथ ही आपको लाइक कितने लोगों के और मैसेजेस एंड ऑल आए हैं बहुत मैंने कल मेरा नंबर वायरल किया था ना, कल आप लोग आए थे वहाँ पे, परसों कल परसों तो मेरे वायरल के मुझे वहाँ से नंबर आया कि राखी दीदी मेरे पास, मैं आपको एक ही मैसेज दिखाऊंगी बट वो नंबर मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, उनके साथ भी ऐसा किया है, मैं बोलूंगी नहीं, बड़ा आप देखिए क्या लिखा है, प्लीज पढ़िए, आप प्लीज पढ़े, प्लीज पढ़िए। राखी जी, आई रियली रिस्पेक्ट यू एज अ टेक्नीशियन एंड आई हैव नॉट लाइक्ड व्हाट द शर्लिन चोपड़ा इज टॉकिंग अबाउट, प्लीज डू समथिंग अबाउट हर, थैंक यू विद द रिस्पेक्ट आरोन क्रिएटिव डायरेक्टर। कुछ कितने लोगों को शर्म आ रही है मुझे, उन्होंने वीडियोस भेजे हैं, बोलते हमारे साथ ऐसा किया है, हमको ब्लैकमेल करती थी कि मुझे फिल्म में लो वरना ये तुम्हारा वीडियो वायरल करेंगे, अब डायरेक्टर बोलते कि मेरे पैसे थोड़ी लगे फिल्मों में उसको जबरदस्ती लेने के लिए, एक तो बोलते सर मेरी मीटिंग करेंगे कमरे में, मीटिंग करेंगे सर मैं एक सेलिब्रिटी हूँ मैं सबके सामने मीटिंग नहीं कर सकती, और कमरे में जाके ऐसे गोद में बैठ जाना, हाय हेलो ये सब गंदगी करना और सामने कैमरा लगाया, मेरे को
मेरी छाती फूट आती है, मेरे को दर्द होता है सब बोलते हुए। कितने लोगों ने ऐसे वीडियो भेजे मुझे, मेरे पास सारे सबके वीडियो के प्रूफ है। क्या हमको बंद करा, बंद कर दो भाई, दो मिनट। मुझे दुख हो रहा है, ऐसे आप सोच नहीं सकते। कोई भी बीवी आत्महत्या कर लेगी, अपने बच्चों को मार डालेगी, पति पत्नी और बच्चे मर जाएंगे, ऐसे वीडियो मेरे पास। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि गॉड ने मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से दी ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। सब कहते हैं वो तो कीचड़ है, बच जाओ कीचड़ में जाओगे तो मुंह पे कीचड़े लगेगा, मुंह पे कीचड़े लगेगा। मैं ये डर से कि मेरे मुंह पे कीचड़ लगेगा या कुछ मेरा बुरा होगा या लोग क्या समझेंगे, ये सोच के मैं शर्लिन जैसी औरतों का बुराइयों का पर्दाफाश ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आई हूँ ऐसे औरतों के खिलाफ लड़ने के लिए। बल आपने इतनी हिम्मत की और आप आगे आई हो, ऐसे ही और भी। मैं उन लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि अगर सचमुच किसी भी आर्टिस्ट ने आपके साथ बुरा किया है तो फाल्गुनी जी या ऐसे बहुत सारे एडवोकेट जाओ उनको मिलो, अगर आपके पास प्रूफ है प्रूफ दो और उनके खिलाफ केस लड़ो, है ना। सिंपल, देश का कानून बहुत अच्छा है, देश की पुलिस बहुत अच्छी दिन रात मेहनत करती है, और ये शर्लिन चोपड़ा पुलिस के खिलाफ जा रही है, देश के कानून के खिलाफ जा रही है। पहले तो सलमान खान के खिलाफ गिदड़ बकिया, सलमान खान ऐसा, सलमान खान वैसा, और कल मैंने अभी देखा उसको, मतलब होश आ गया, जल्दी अक्कल ठिकाने पे आ गए, हाथ जोड़ के बात कर रही थी। अब इसको मैं ठिकाने पे लगाती हूँ, अभी तुम देखिए, ये अभी गायब हो जाएगी, देखना तुम, ये मुँह छुपा के भाग जाएगी। ऐसे ऐसे वीडियो है मेरे पास, देश की जनता है ना, देश के प्रधानमंत्री पीएम को मुझे अवार्ड देना चाहिए ऐसी महिलाओं का मुंह बंद करने के लिए। बहुत सारे लोगों का घर बचा रही हूं मैं, समझ रहे हो आप, अपना अपने आप को बदनाम करके मैं बहुत सारे लोगों का घर बचा रही हूं, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।